नेशनल हॉस्पिटल रीवा विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज निःशुल्क अब आयुष्मान कार्ड से, जिसमें कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन से ऑपरेशन। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। के माध्यम से कहते हैं हमें कंपटीशन कांग्रेस बीजेपी का नहीं, आपने पहले ही कहा टक्कर का बनता है और 2.5 लाख रुपए ग्रामीण से लोहा वही रहे सीमा है, चारों तरफ से रोडें निकल रही है, ऐसे इनको मालूम हो गया कौन से लिए लगा है, पूर्व में कहते हैं लेकिन एक की जस्टिस की लाइन आ गई है और उसी से चलेगी। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का रण, रीवा संसदीय सीट और यहाँ की एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट गुढ़। रीवा जिले की अगर बात की जाए तो गुढ़ विधानसभा सीट बेहद हॉट सीट रही है। पिछले चुनाव में जबरदस्त घमासान देखने को मिला और महज कुछ वोटों से यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जब बात 2024 की हो रही है, लोकसभा चुनाव की हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गुढ़ विधानसभा या गुढ़ क्षेत्र के लिए सांसद द्वारा क्या प्रयास किए गए पिछले 10 वर्षों में। जनार्दन मिश्रा पिछले 10 साल से यहाँ सांसद रहे, इस बार मुकाबला जनार्दन मिश्रा के सामने नीलम अभय मिश्रा, अभय मिश्रा जो सिमरिया विधानसभा से विधायक हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। स्थानीय लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुढ़ विधानसभा या गुढ़ क्षेत्र के लिए लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कुछ किया, कितने बड़े प्रयास हुए या गुढ़ को कौन सी बड़ी उपलब्धियाँ मिली। जनार्दन मिश्रा विगत 10 वर्षों से रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद है, उनका एक भी विकास, आप नगर पंचायत में खड़े हैं, नगर पंचायत में 1 रुपये सांसद निधि से उन्हें दिया हो कहीं बता दें, एक भी रोड समूचे गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में सांसद निधि से कहीं दी गई हो तो वो बता दें। और आपका लो ये सांसद को मिलता है 5 करोड़ रुपए सांसद निधि, उस सांसद निधि से आम गरीब जनता जो होती है, जैसे कोई शादी करता है, कोई बीमार हो जाता है, ये इसके लिए दवाई की आवश्यकता लोगों को पड़ती है, उसमें से कहीं 1 रुपये किसी को दिया हो, ये मात्र अपने जो चमचे हैं उनको उपकृत करने के लिए देते हैं। और जैसा कि हमने सुना है, आप भी रीवा नहीं पूरे प्रदेश में आपका ये चैनल के माध्यम से आप सबको बताते हैं, संसद का पुत्र 50% कमीशन लेकर के पैसा लोगों को देता है, सरपंचों को देता है, अन्य जो भी विभाग के लोग उनको देता है, और उनके द्वारा आज तक किसी प्रकार का कोई प्रयास गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह से नहीं किया गया। मात्र ये वोट के जो आपका कहते हैं कि मोदी लहर है, फलाने लहर है, राम लहर है, ये इसमें थोड़ा बहुत कुछ इनको अब तक में लाभ मिलता रहा। इस बार कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है और नीलम मिश्रा पूरी ताकत के साथ रीवा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में वो अभूतपूर्व उनको वोट मिलेंगे, ऐसा एक हवा चल रही है। और जनार्दन मिश्रा सिर्फ टट्टी साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया, 10 वर्षों में जाएंगे, टट्टी साफ करेंगे, फोटो उतरवाएंगे और इसके बाद सोशल मीडिया में डाल देंगे, ये किए हैं। और नीलम मिश्रा स्वच्छ छवि की कैंडिडेट है, किसी तरह से कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, वो विगत सिमरिया विधानसभा की विधायक रही, आप उनके ऊपर कोई आरोप बता दें, एक भी आरोप बता दें। और जनार्दन मिश्रा के ऊपर तो हजारों आरोप है, अभी लोकायुक्त में उनके खिलाफ 22 करोड़ रुपये घोटाले का, इन्हीं सब मदों से 22 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, कई जमीनें खरीदी हैं। अभी जब ये पहला चुनाव लोकसभा का लड़े थे तब इनके पास साइकिल नहीं थी, ये सभी के पास जाते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, माता जी इनकी कहती थी हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। और आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जनार्दन मिश्रा के पास कहाँ से आ गई, मतलब एक भ्रष्टाचार का भी मसला है। यही गुढ़ है जहाँ सोलर प्लांट लगा हुआ है, गुढ़ के लिए तो बड़ी उपलब्धि है, सांसद ने कहा कि हमारे प्रयासों से लगा है। बड़ी उपलब्धि साहब क्या है ये, इसको 2011 में मनमोहन सिंह ने दिया है, उसमें ये खा गए, उसका पूरा बजट खा जाते हैं, हमारी जो कट मनी होती है SCRO
तो वो 600-700 करोड़ रुपए, और उसको भी ये खा जाते हैं, चुनाव के समय निकाल लेते हैं, फर्जी टेंडर करा लेते हैं, और सभी विधायक सभी सांसद मंत्री इसमें खाते हैं जी। और जहाँ तक रह गई सांसद की बात, तो सांसद को हम आपको बता दें, पिछले चुनाव में रीवा जिला की 8 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिला, गुड़ से मिला, 81,000 वोट। और हमको क्या दिया उन्होंने, क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, बैकले ही बताया, आँचा पाँचा बताया, युवाओं को उन्होंने ठगा और बोले कि वो मचान मचा वो बाध वाली मचान पे पानी कम है तो वहाँ पे नहाओ, नीचे बड़ी सी परात रख लो, वो परात जब मिले तो लड़के बच्चों को नहाओ अथवा कपड़ा साफ करो। इनकी आए बाएँ साए अब नहीं चलने वाली है, कुछ नहीं किया, उपलब्ध कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो नीलम हैं मिश्रा हैं, उनके जो पति देव है भाई मिश्रा, वो एक रीवा जिले के पहाड़ हैं, एक ग्रह हैं, एक टापू हैं, वो आ गए हैं, अब दमदार कैंडिडेट है जी। जाने दीजिए, पूरी भाजपा को चुनौती देते हुए कहता हूँ कि नहीं इनकी चलेगी, नहीं इनकी प्रधानमंत्री की जन्म बनेगी। जो एक प्रधानमंत्री कैसा है आप भी जानते हैं, देश में कैसा प्रधानमंत्री आया है, कैसा सेवक आया है, छली कपटी प्रपंची पाखंडी धूत मूर्ख कुछ भी कह दीजिए, वो आया है धार्मिक चादर ओढ़ के आया था, एक जटा जूट रह के दाढ़ी बढ़ा के वो आया था रावण, उसी भेष में आकर के कि भारत की भावुक जनता। अरे ये जरा सा ध्यान दीजिए कि ये राम मंदिर में कितना खाए, पूरे धरती का पैसा खा गए, कोई भारत भर का पूरे धरती का पैसा खा गए, उसमें कलेक्टर फंसा, कमिश्नर फंसा, एमएलए फंसा, मुख्यमंत्री संतरी फंसा, किसी को कुछ हुआ, चाहे आपका नारायण राणे हो, चाहे वो आसाम वाला मुख्यमंत्री अदबाइकल हो, जिससे अच्छा हमारा कुत्ता वो राहुल गांधी वाला, ये सब इनकी फाइलें बंद हो गई जी। वो केजरीवाल को आप झूठा फंसाते हो जी, मतलब जेल में डाल दिए गए, उस तरह का मसला भी है। एक चीज बताइए, गुड़ क्षेत्र को सांसद द्वारा क्या कुछ मिला, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि गुड़ के विकास की बात, पूरी उपलब्धि माननीय सांसद जी द्वारा दिया गया। और अभी अभी कांग्रेस नेता माननीय महन जी बोले भ्रष्टाचार, आप एक पुख्ता प्रमाणित भ्रष्टाचार माननीय जनार्दन मिश्रा जी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ दिखा दीजिए तो जो कहेंगे वो करेंगे। नीलम मिश्रा को बोल रहे हैं, आ भाई मिश्रा कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कितने बड़े क्रिमिनल हैं, ये दुनिया जानती है। हमारे सांसद जी स्वच्छ छवि के नेता हैं। ट्रेन किसने चलाया? माननीय सांसद जी ने। सड़क किसने बनाई? माननीय सांसद जी ने। मेडिकल करीबन 900 से ऊपर मेडिकल सहायता माननीय सांसद जी द्वारा दिया गया है। और रही चुनाव जीतने की बात, दमदार प्रत्याशी 2.5 लाख से ऊपर नीलम मिश्रा चुनाव हारेंगी, आप कागज में लिख लीजिए। नहीं, ये 900 सहायता मतलब ये समझा नहीं, मेडिकल सहायता 900 से ऊपर दे चुके 10 साल के अंदर, वो 900 से ऊपर आप किसी की मदद नहीं कर। एक ये गुड़ एक आपके गुड़ में 10 मंडल अध्यक्ष के पास लिस्ट है। अरे हम लिस्ट, आप लिस्ट नहीं है, आप झूठा कह रहे हैं। जनार्दन मिश्रा गुड़ के लिए नहीं, रीवा जिला के लिए कलंक, इसलिए कि उन्होंने कभी भी सांसद होने के बाद वो कभी भी कभी सी व्यक्ति की सहायता न सुनने के लिए बस बहुजुड़ई बताते हैं। अब की दार बहुजुड़ई नहीं चलेगी, कुकी मारते हैं। हाँ। कुकी मारते हैं, हू हू कुकी मारते हैं। देखिए सांसद पे भी यही, वो जमीनी है, गरीब किसान का बेटा है, हमारे यहाँ उद्योगपति और किसी बड़े नेता के लड़कों को टिकट नहीं मिलती भाजपा में। एक गरीब आदमी यहाँ तक उठ के आया, आपने बोला करोड़ों की संपत्ति, प्रमाणित करके दिखाइए कि जनार्दन मिश्रा के कहाँ संपत्ति है। पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी लिए हैं, अभी नई गाड़ी लिए, चलिए घर में दिखाए, पुरानी गाड़ी बेच के अभी नई गाड़ी ली, आप जांच कराइए ना। आपने कहा लोकायुक्त का 22 करोड़ का घोटाला, एक घोटाला प्रमाणित नहीं कर सकते, एक घोटाला प्रमाणित नहीं कर सकते आप। या आप तो जानते हैं उनके बच्चे का क्या नाम है, कबीर, फकीर गबीर वाला, एक वो फकीर था जिसकी चादर भीनी रे भीनी और उजली करके रख दिया, एक ये सांसद का है, ये इसका बच्चा, इसके यहाँ बच्चा बेटा नहीं पैदा हुआ, भगवान पैदा हुआ। कोई भी जाए, कार्यकर्ता कैसा भी जाए, कबीर से मिल लो, कबीर से क्या है, भगवान को चढ़ोती लगती है कि नहीं, कबीर को 15% से, यदि नाथ भाई हैं तो 15% पे, 20% पे, 25%, 30% कमीशन लगता है इस उनके भगवान कबीर को, पुत्र को, और पूरा खा गया इसका। दिल्ली में बना लिया, वहीं पर मोदी जी के नाक के नीचे, फिर भोपाल में बना लिया, रीवा को लूट लिया, आज जानते हैं दूसरे भी पक्षियों के ऊपर पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक एक विधायक के ऊपर यदि आप रेड करिए तो सब के सब एक ही हथकड़ी में चले जाएंगे जेल, चाहे मंत्री जी हो, चाहे उनके संतरी कोई भी विधायक हो, सब पर कार्रवाई हो सकती है।
गुड़ को क्या कुछ मिला, सांसद द्वारा क्या उपलब्धियां मिली, सड़क का काम चल रहा है, सोलर प्लांट की बात हुई, और कुछ रोजगार के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि गुड़ को क्या? पहली बात तो रोजगार के क्षेत्र में गुड़ जो है बहुत पिछड़ा है और बहुत पीछे है। दूसरी बात, हमारे अभी मित्र ने कहा कि जनार्दन मिश्रा ने गुड़ के लिए बहुत विकास, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नेशनल हाईवे की रोड है, जनार्दन मिश्रा जी के प्रयास में ये रोड नहीं आई है, है ना, ये सभी भली भांति लोग जानते हैं। दूसरी बात, जहाँ रोजगार की बात है और शिक्षा की बात, तो मध्य प्रदेश में और जब से केंद्र में सरकार आई है तो शिक्षा के मामले में सबसे घटिया अगर कोई सरकार ने कदम उठाया है तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान और मनमोहन जी की और आपके केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। हम अपने युवा साथियों से पूछना चाहते हैं कि शिक्षा की दिशा में कौन सा ऐसा कार्य जनार्दन मिश्रा जी ने किया, ये हमें जवाब दे के हमारे विपक्षी के नेता या हमारे मित्र ही बता दे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो शायद कभी नहीं हुआ। जैसे हमारे गुड़ का अगर DSP बना है एक लड़का, कई रेंजर बने हैं गुड़ में, बड़े बड़े अच्छे पदों में जा रहे हैं, तो वो शिक्षा के कारण जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए किस मामले में ये बात करना चाहते हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया, माननीय जनार्दन मिश्रा के अथक प्रयासों से सौर ऊर्जा बना, आपके सामने है, टनल बना, नेशनल हाईवे बनी, ठीक है, ये रोड जो बन रही है ये रोड भी उन्हीं की है ना। तो जो कोई ये कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये दो मिनट के लिए है, ये तो जितना अब लाइट जा घंटे मिल रही बिजली, यहाँ दो मिनट कटती है, जितना कांग्रेस कुल लाइट देती थी उतना अब कटौती होती है। ये सोलर प्लांट में रोजगार, कांग्रेस गला नहीं काट के बिजली बिल लेती थी, अब गला काट के भाजपा के। महंगाई बड़ा मुद्दा है कि नहीं, ये मानते हैं? महंगाई का मुद्दा है बताइए, डीजल पेट्रोल के रेट या फिर जो भी महंगाई, उतने रेट में तो कांग्रेस भी दे रही थी, कब कम कही है, कम कब गई है, आज के डेट में क्या महंगाई बताए हमको, ये चीज की महंगाई हो रही है। आज भाजपा सरकार ने क्या नहीं दे रही, जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों को पैसा दे रही है, सहायता दे रही है, आप ये बताइए, आवास योजना दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज गरीबों की झोपड़ी महल में तब्दील हो रही, ठीक है ना, शौचालय बनवाया, लोगों को खाद्यान्न मुक्त दे रही है, दवाई के लिए 5 लाख की फ्री दवाई दे रही है, ठीक है ना, आज किसानों का सम्मान है 2 लाख रुपये, और मध्य प्रदेश की सरकार 12,000 रुपये दे रही, फसल बीमा योजना में भी इनको लाभ मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा हमको बताएं। जो रोजगार के मसले पे सवाल खड़े होते हैं सरकार पर, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, नौकरियों की बात हुई थी, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है, युवाओं में आक्रोश रहता है। नौकरी अभी भी मिल रही है, बराबर मिल रही है नौकरी, लेकिन नौकरी वाला लड़का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सुनिए, सबको मिल रही है, पढ़ने लिखने वाले सबको मिल रही है, अनपढ़ को नहीं मिलेगी नौकरी, अनपढ़ को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखों की अभी भी नौकरी मिल रही है, अब बराबर नौकरी मिल रही है, हर विभाग में नौकरी मिल रही है, मतलब नौकरी मिल रही है। उद्योग लाया जा रहा, जो जिस योग्य युवा है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, बराबर रोजगार मिल रहा है, आप बताइए कि रोजगार कहाँ नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ की बात करते, बाहर से उद्योग लाया जा रहा, लग रहे आपके गुड़ में भी उद्योग लग रहे, सौर ऊर्जा लग गया, तो ये उद्योग है जो जो योग्य युवा है तो रोजगार पा रहा है, बराबर रोजगार पा रहा है, और रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, रोजगार एक कहीं भी नहीं मिल रहा, ये गुड़ शहर गुड़ में, आप एक मिनट, गुड़ में एक भी रोजगार, जितने लड़के खड़े इनसे पूछिए कौन से रोजगार पाए हैं जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी, महंगाई की बात करते हैं, आप ये महंगाई बताइए, 80 रुपये किलो टमाटर है, 120 रुपये भिंडी है, सरसों का तेल 150-200 रुपये, दाल देखिए 140 रुपये दाल अरहर की, ये जो आम गरीब जनता जिसको हमेशा आवश्यकता पड़ती है वो इतनी महंगी हो गई है कि जीना लोगों को हराम हो गया है। पूंजीपतियों के लिए महंगाई नहीं है, आप भाजपाइयों से पूछेंगे तो कहेंगी कोई महंगाई नहीं, ये राष्ट्रपति जी हैं, ये सब्जी नहीं खाते महंगाई की वजह से, और वहां पे जो बस स्टैंड में वहां दुकान खोले हुए हैं उनको कह
उनको उनको ये कहते कहीं से जुगाड़ कर दो। भाई साहब जिनको 30 रुपए का टमाटर 120 का दिख रहा उनको बेरोजगारी दिखेगी ही ना। 30 रुपए किलो टमाटर है आपको 120 दिख रहा तो इनको बेरोजगारी दिखेगी, इनको रोजगार नहीं दिखेगा कि युवा रोजगार में जा रहे हैं। अच्छा सुनिए सुनिए, ये इन्होंने महंगाई की बात की, एक सेकंड, अब ताली पाली नहीं, ये बताइए आपकी 60 रुपए वाला पेट्रोल इन्होंने 100 पार कर दिया, 400 का सिलेंगे इन्होंने 1200 कर दिया और फिर 100 रुपए घटाते हैं ताली बजवाते हैं, आप ये बता दिए कि महंगाई है कि नहीं है। और दूसरी बात ये जो सड़क को दिखाते, अच्छा शांत यार, सड़क को जो दिखाते हैं कि सड़क को जो कहते हैं शांत, अमित शाह कहता हमारे सर से चिकनी, राजनाथ सिंह का हमारे सर से चिकनी, और वो उत्तर प्रदेश वाला मुख्यमंत्री घोटाले कहता हमारे सर से चिकनी। आप ये बता दीजिए यदि मैं जाता हूँ अपने नाती को लेकर के मुंडन कराने, मैं यार 3 ठुना का मिलते हैं साला 186 रुपये लगता है, और यदि अब फोन आ गया कि आज मत जाइए कल हम नाका के ऊपर चले गए, डंडबा उठ गया, पछेला भी आना चाहती हूँ, हराम एक का नाम से ये डकैत लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की डकैत ये लेते हैं, ये महंगाई नहीं है क्या? और ये सड़क में जो हमारा ये टैक्स जाता है 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ डेली हम देते हैं, हमारे हम लोगों देते हैं, हम जाता हमारे पैसे से बनते हैं कि इनके बाप के नाम पे। नेशनल हाईवे में पैसा जबरदस्ती उगाया जा रहा है जहाँ कोई रूल नहीं है, कोई मैटर नहीं है, ये वहाँ पर बहरम बाबा मोड़ में जो पैसा उगाने का लीगल है। काहे के लिए, किस चीज के लिए? नगर पालिका के नाम से पैसा टैक्स उगाया जा रहा है, बस वालों को जबरदस्ती पैसा। अच्छा, युवा है कुछ यहाँ पे, रोजगार की क्या स्थिति है गुड़ में? रोजगार तो यहाँ एक भी रोजगार नहीं है, रोजगार यहाँ एक भी नहीं है, इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। तो गुड़ के लोगों को क्या काम मिला है? उनमें कुछ काम नहीं, सब बाहरी है। गुड़ में शिक्षा सबसे पीछे है। विगत 10 वर्षों से माननीय सांसद जी को मैं सांसद बने हुए देखा हूँ, जनार्दन मिश्रा जी को, तो जब वो 14 में बने तब तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन 19 में बनने के बाद मैं उनका कार्यकाल देखा, तब से आज तक मैं उनका मुंह नहीं देखा हूँ। जब वो अभी टिकट पाए हैं दोबारा 24 में तिवारा, तब उनको मैं पहली बार देखा हूँ अपने आँखों से, जब वो आए वोट मांगने घर में। फिर इसके बाद अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो गुड़ के हायर सेकेंडरी स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं लगती है, टीचर आते हैं समोसे खाते हैं और चले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि गुड़ की शिक्षा सबसे उच्च है, तो रोजगार तो यहीं से खत्म हो जाता है, जब शिक्षा ही नहीं तो रोजगार कहाँ। पहले बीजेपी जब शिक्षा की व्यवस्था करे तब रोजगार मिले, और रोजगार देना इनका कोई इनके उसमें लिस्ट में ही नहीं है, पहले ये शिक्षा ही नहीं देते पहली बात। और ये शिक्षा का एक बड़ा मसला है, उसके बाद रोजगार की बात जुड़ जाती है, युवा ये चाहते हैं। सांसद जी कहते हैं तमाम बड़े प्रयास स्वच्छता के लिए किए हमने, स्वच्छता के दृष्टिकोण से संदेश दे रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छता के, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे बयान भी आते हैं। अब मुकाबला एक महिला प्रत्याशी सामने पुराने सांसद, कैसे देखते हैं? जहाँ तक स्वच्छता के बारे में है तो आप गुड़ के किसी भी कोने में चले जाइए, अस्वच्छता के अलावा बंडाल लगा हुआ है कचरे का तमाम, आप बस स्टैंड में हैं आप देख लीजिए दिन भर का लाइट जलवा करके। जहाँ तक उनको कार्यकाल है, जनता ने 2 पंचवर्षीय देख लिया, 10 साल सांसद रहे, अब उनकी विदाई तय है, और नीलम मिश्रा का जितना लगभग तय है। अच्छा, गौवंश की एक बड़ी समस्या है रीवा लोकसभा में, सांसद ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि लोग अपने अपने गौवंश गाय को बांधना शुरू कर दें, धीरे धीरे समस्या खत्म हो जाएगी। जिस परिसर में हम लोग हैं, अभी मैं आने के पहले यहाँ वीडियो देख रहा था, तो यहाँ पर भी गौवंश की समस्या उसी तरह बरकरार है कि कुछ कमी हुई? गौशालाओं की बात हुई थी, कोई कमी नहीं हुई, ये गौशाला में कोई मवेशी रहते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई सुविधा नहीं गौशाला में, आप अपने सामने देख ले, जब से आप आए हैं इसी तरह से मवेशी हर चौराहे पे बैठे रहते हैं, और रात को किसानों की फसल पूरी चौपट कर देते हैं, और ये जो लोग भाजपा के लोग इधर खड़े हैं ये कोई किसानी नहीं करते। आप किसानी नहीं करते? हम लोगों के पास, हम लोग भी किसानी करते हैं, ये एक भी किसानी नहीं करते जो लोग अभी बता रहे हैं गौवंश की बात करते हैं। हम लोगों ने गौवंश के लिए व्यवस्था कर रखी है। नहीं, लेकिन देखिए यहाँ गौवंश बैठे हुए। अच्छा, किसकी गाय है? हमारी, आप सबकी ना है, व्यवस्था किसकी करना चाहिए? शासन कहाँ तक लगेगा? आज इनके पास जब गाय लगती है तब तक बांधे हैं, गाय जहाँ छुटा तो वो बाहर छोड़ देते हैं। किसानों की भी जिम्मेदारी बनती है, अब हर पंचायत में धीरे धीरे गौशाले बन रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ठीक है ना? कहाँ ऐसा गांव नहीं है जहाँ गौशाला नहीं बन रही है? तो ये गाय सड़कों पे क्यों? ये मंडल अध्यक्ष जी हैं,
ये बताएं कितने एकड़ जमीन कहाँ गए, बताएं कहाँ है जमीन उनके पास, क्या और कहाँ खेती करते हैं? खेती करते हैं आप? खेती नहीं करते। ठीक है, लेकिन आपकी गाय की पूंछ पकड़ के आई थी भाजपा, आज ये किसी की सबकी पूंछ गाय के बारे में बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ये गाय किसकी है, किसकी गाय भाग रही है? किसानों की गाय भाग रही है। वो अपना अपना किन किन बांधते और जब तक दूध देती है तब तक बांधे रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। वही आप 12 पशु हैं। अब अभी आप किसी पशु को आप अगर बंद करवा दीजिए तो वही अभी FIR करवाने चले जाएंगे। हुआ है अभी हुआ है, एक आदमी बांध लिया था एक गाय को, उसके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। ईमानदारी से बताइए गुड़ की कितनी तस्वीर बदली, क्योंकि 15-20 साल पहले गुड़ की जो स्थिति थी अंदर के बाजार की उसी तरह है। अब सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, ये तो भाजपा शासन काल में ही हुआ है। भाजपा शासन काल क्या है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूं कि आप गुड़ को आपने चूज किया है थोड़ा सा डिबेट के लिए। हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय महेंद्र जी हैं। और नहीं ठीक है, ऐसा है देखिए डिबेट है, आप कर लीजिए, आपको करना है। अगर ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती बोलेंगे, नहीं आप जो हम बोलने दीजिए बोल दूंगा, आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, ये इसमें कोई शंका की बात नहीं। बहुत वरिष्ठ हैं हम, किसी पार्टी के लिए नहीं, युवा हैं। जो शिक्षा के लिए भी बात करेंगे, गौवंश की समस्या है बिल्कुल नो डाउट, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। उसमें किसानों का भी, मैं भी किसान हूँ, खेती भी करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़ी समस्या है, हमारी भी गलती है। हम दूध लगाते हैं छोड़ देते हैं गाय को, बिल्कुल फैक्ट है। शासन को अगर दोष दें तो कितना दें शासन को दोष, ये बताइए। हम मैं वार्ड नंबर 1 से आता हूँ, वहाँ किसान क्या करते, इसे गाय गाँव की भाषा में कि बछड़ा देने वाली जनी तो बांध लिया, उसको दूध निकाले छोड़ दिए, तो समस्या है। अब शासन का दोष थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन कितना दे सकते हैं? हाँ ये बात सकते हैं, जो फंड आ रहा है गऊ का, तो उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। अब इसके लिए क्या आ रहा है, उसका उपयोग होना चाहिए। गुड़ में विकास क्या नहीं हुआ, हम ये कहना चाहते हैं। वार्ड 15 में अभी चले जाइए, नेशनल हाईवे बढ़िया बन रही है रोड, ये रोड आप दिख रहा है गुड़ का। गुड़ में कच्चा खपड़ैल घर था जब कांग्रेस की सरकार थी, आज गुड़ में कच्चा घर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने इतना काम किया है कि गुड़ के अंदर खपड़ैल घर नहीं बचे हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा बता दे जो गुड़ के अंदर आज पक्का घर जिसका नहीं कंप्लीट हो गया, सुलभ शौचालय बने हैं, ठीक है, खाद्यान्न हर महीना फ्री मिल रहा है इनको, दवाई की सेवा मुक्त हो रही है, यहाँ तक कि दवाई के लिए भी 5 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही, क्या नहीं मिल रहा बताइए। भारतीय जनता पार्टी की गुड़ नगर परिषद हमेशा चर्चा में रहता है, गुड़ नगर परिषद हमेशा चर्चा में रहता है, उसके पीछे क्या कारण है? अमित जी, गुड़ हमेशा चर्चा में रहता है। गुड़ में बहुत अच्छे लोग यहाँ से चुनाव जीत कर जाते थे, जो अपनी बात को सदन के अंदर रखते थे और आम गरीब जनता की आवाज़ को उठाते थे। भारतीय जनता पार्टी, मैं यदि विधायक की बात करूं तो 20 साल हो गए, 25 साल विधायक बने, वो अपने निधि से बता दे, ये तो अभी 10 साल है, 25 साल का विधायक अपनी निधि को बता दे, 1 रुपये इस नगर पंचायत को दिया हो। और भाई साहब मैं ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में लो, दुर्भाग्य है इस गुड़ का कि ऐसे लोग। अच्छा दूसरी बात, ये ED CBI इसके सहारे पर देश में सत्ता हासिल करना चाहते, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप एक चीज और, ये आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सुनिए एक मिनट, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आवास योजना इंदिरा आवास योजना को इन लोगों ने नाम में कन्वर्ट किया, पहले भी आवास बनते थे, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी तीर मारे। दूसरी बात, इनका टैंकर आता है 3.5 लाख में और आवास मिलता है ग्रामीण अंचल में 1.5 लाख, 1,35,000 उनको मिलता है, 15,000 खाते और ढाई लाख रुपए, ये 2.5 लाख रुपए आवास के लिए दे। एक मिनट, भाजपा के लोगों चुप, सुन लीजिए, 2.5 लाख मिलता है और ये प्रतीक्षालय बनाते हैं 3,80,000 में, जो मात्र 1 लाख रुपए में। ये घोटाला जो यहाँ के सांसद ने किया है, 3,80,000 रुपए और आवास को देते हैं 2.5 लाख, अभी भी 50,000 रुपए लोगों को रुका है। एक मिनट, कलेक्टर, ये जो है आवास 2.5 लाख, 3,80,000 रुपए ये प्रतीक्षालय में देते हैं और प्रतीक्षालय 1 टीन टप्पर का बनता है और 2.5 लाख रुपए ग्रामीण में, लोहा वही रेट, सीमेंट वही रोड, सीमेंट वही, मजदूरी वही, फिर ये भी क्यों हर जगह। हम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि इन्होंने आजादी के 70 बरिस
कुछ समय छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की, जब सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है, ऐसा गुड़ विधानसभा में ऐसा कोई गांव बता दें, गांव बता दें जहां रोडों का जाल नहीं बिछा है। आज बाणसागर का पानी, एक बाणसागर का पानी हमारे विधायक के अथक प्रयासों से किसानों को आज चारों तरफ देख लिए गुड़ क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा है, ठीक है ना। आप किसी मार्ग में चले जाइए गुड़ क्षेत्र में, चारों तरफ रोडों का जाल बिछा है, नहरों का जाल बिछा है, सौर ऊर्जा टनल बना है, चारों तरफ से रोडें निकल रही हैं। आज रीवा की धरती में नहीं, मध्य प्रदेश की धरती में ऐसी कोई रोड नहीं है जो टू लाइन और थ्री लाइन न हो। लेकिन ये टनल तो उपलब्धि है ना गुड़ के लिए? टनल उपलब्धि है कि उपलब्धि है भाई साहब के, गुड़ के लोग, गुड़ के लोग टनल से नहीं निकलते हैं, लेकिन उनको 60 रुपये जाना और 40 रुपये आना लगता है, ये उपलब्धि है। गुड़ के लोग अगर गाड़ी लेके जाएं तो टनल तो वहाँ है, गुड़ के बाहर है, गुड़ के बाहर है, लेकिन टोल प्लाजा 40 रुपये जाना 40 रुपये आना, 80 रुपये गुड़ के लोगों से लूट हो रही है, पूछिए व्यापारी है। अरे 80 नहीं लगता है, 200 लगता है, 200 लगता है, और ज्यादा टिरुआ मारते हैं, 400 लगता है, मारते हैं, ये बात है। अरे सबको मौका देंगे आप, 5 सेकंड देखिए, ये बताइए, हम 70 साल, हमारे 14 प्रधानमंत्री, मात्र 55 लाख करोड़ कर्जा, और इन्होंने ले लिया 10 साल नरेंद्र मोदी ने 2,55,000 की डकैती डाला रफा का पन्ना फाड़ के खा गया, और इसको हटाना है, देश को बचाना है, ये पखंडी नहीं चलेगा। अरे सुनो, हो रहा है ये कांग्रेस भारत मुक्त हो रहा है, इसलिए ये देश में एक भी कांग्रेस का नाम बता दीजिए। चोरी करे तो चोर ना पकड़े, डकैती करे तो डकैती ना पकड़े, जो चोरी करेगा वो ईडी सीबीआई पकड़ेगी, पकड़ेगी। सरकारी जमीन में लूट है, गुड़ में 3 एकड़ जमीन में कब्जा किए हुए हैं, और बीजेपी में जाकर के छुपे टावर लगाए हुए हैं सरकारी जमीन में, चोरी वालों को पकड़िए, पकड़िए चोरी। ये व्यक्ति टावर नहीं, व्यक्तिगत हमले छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत हमले छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब चोरों की मुंहसवेरी है, लेकिन कोई कांग्रेस है आना, कोई कांग्रेसी जीने वाले हैं, ठीक ना। भारतीय जनता पार्टी इस बार कश्मीर से 370 की धारा हटाई है, ये भाजपा ने नारा लगाया है कि हम इस बार 400 पार। अभी पिछला चुनाव बीता, एक सेकंड, पिछला चुनाव बीता विधानसभा, बड़ा रोचक चुनाव था, लेकिन बीजेपी फिर भी जीत गई, कारण हर बार बीजेपी जीत रही, अगर विकास न होता जनता ने वोट क्यों देती। इस बार नागेंद्र सिंह पुनः विधायक हुए, 5 बार से नागेंद्र सिंह गुड़ क्षेत्र में विकास किए हैं, लोकप्रिय हैं, इसलिए वो लगातार विधायक हो। क्या कमी रह गई? एक मिनट, कोई कमी नहीं थी, हम ये जानना चाहते हैं, ये भाजपा के लोग नागेंद्र सिंह ये लिखते हैं कि पोलिंग नंबर 209 में हम 500 वोट पाएंगे, कैसे इनको मालूम हो गया 500 वोट पाएंगे? यदि बेईमानी नहीं किया, जब बेईमानी नहीं किया पोलिंगों में, ईवीएम में बेईमानी नहीं किया, तो कैसे हो गया? पहले बता दिए कि 162 हम पाएंगे, कहां से इनके पास आ गया सब टारगेट 162 का? नहीं तो दूसरे राज्यों में तो आपकी सरकार, दूसरे राज्य में भी बेईमानी करते हैं, दूसरे राज्य में भी। वोटिंग के बाद आप बताएं। मैं बताया तो वोटिंग के बाद इसलिए जानते हैं वो, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरे को पूरी जानकारी रहती है, इसलिए मैं बताया हूँ। ये बात पूछ लीजिए इनसे कि हर बार 10,000 से जीतते थे, अगर इनकी इतनी लोकप्रियता होती तो 1500 वोट से जीते, अगर माइनस कर दीजिए 1500 वोट से जीते, बहुत लोकप्रियता, बहुत अच्छा काम किए हैं, तो क्यों? अरे मैं उसको 1500 जहां कर जोड़ दीजिए वो जीत जाएगा, हाँ इस तरह नहीं जोड़ दीजिए ना उसको, आपने देखा है अभय मिश्रा को भी घोषित कर दिए थे 200 वोट से हरा दिए थे, लेकिन हम उनको तो धन्यवाद। ये कांग्रेस, एक सेकंड, ये कांग्रेस में फिर भगदड़ क्यों मच गई? कोई भगदड़ नहीं है, ये सब बदमाश जो है, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो इसी तरह से भ्रष्टाचार किए हैं, अजीत पवार जैसे लोग, 500 करोड़ का। अब जैसे आप देवराज सिंह को ले लीजिए, देवराज सिंह को ले लीजिए, इनका क्रेशर का मशीन, ये बोले कि आप भाजपा में आ जाओ, जितेंद्र मिश्रा आया वो 15 पार्टी बलत चुका, ये बीके पांडे ये रहता कांग्रेस में था, भाजपा के विधायक से पैसा लेके बांटता था,
अब भाजपा के लिए टेंशन आ गया, कहते हैं कि ये आ गया है, तो ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि जल्दी जाए। अच्छा ठीक है, आखिरी हम लोगों ने ये कह दिया है कि जिसको जाना हो जल्दी चला जाए, क्योंकि ये सारे ये चोर जो लोग हैं जो पैसा ले लेके भाजपा की मदद करते हैं, ऐसे लोग जल्दी चले जाएं, ऐसे लोग जल्दी चले जाएं। आखिरी दो सवाल, गुड़ किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में वोट करने जा रहे हैं? विकास के, विकास के मुद्दे में हमने क्या नहीं किया है ये जनता गुड़ की जानती है। सांसद जी की उपलब्धि, सांसद के अथक प्रयासों से आर रेलवे ट्रेन चल रही है, ट्रेन लाए, हवाई पट्टी बन रही है, आज आज रुक जाए यार, आज ये बताइए सांसद रीवा का स्वच्छ भारत मिशन में अवार्ड पाया है कि नहीं पाया? रीवा जिला का सांसद अवार्ड पाया? हाँ बताइए। मैं ये पूछ, एक मिनट, मैं इनसे तीन काम पूछता हूँ मोदी जी का। अच्छे काम ये बता दें जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिला हो, सिर्फ तीन काम। मैं सपोर्ट करूंगा बीजेपी, धार्मिक घोटाला, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। मेरा सुनिए, मेरा नाम शिवेन त्रिपाठी है, हम टीचर हैं, गेस्ट टीचर में है, और जितने भी एग्जाम हुए हैं शिक्षक भर्ती के, सारे एग्जाम में हम 75% रिजल्ट लेके आए, प्री है, मेंस है, लेकिन नंबर नहीं लग पाया। कहने की बात यह है, और रही बात अभी भैया रोजगार, बहुत अच्छी बात बता रहे थे, रोजगार, GST कहाँ गया, आदर्श ग्राम योजना कहाँ गई, मेक इन इंडिया कहाँ गए, कौन सी योजना सफल है धरातल में? बस वही बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ बना दो, क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है, क्योंकि तुम सच को झूठ बता दो, क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। यदि अगर ये तो ऐसे लोग हैं, यदि अगर इनको कमीशन दे दो तो देश को बर्बाद कर देंगे। दूसरी बात सुनिए, बोलने के लिए सब बोलेंगे, कहाँ गई इनकी योजना? सुनिए भैया, अमित भैया साहब, झील में पानी बरसता है हमारे किसानों की बात, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और दूध जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, और झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में, ऐसी पार्टी वर्तमान में है, पढ़े लिखे कहाँ जाएं बताइए? यदि अगर मोबाइल बंद हो जाए ना तो इतना अपराध बढ़ेगा कि जो वर्तमान में सरकार है उसके पास जवाब देने के लिए एक शब्द नहीं बचेगा। पूरी जनता बिजी है, व्यस्त है, केवल अपने इस मोबाइल में, मोबाइल में भी कितना भ्रष्टाचार हुआ हम सब जानते हैं। आज के डेट पर जिसके पास 10 रुपये में भरा के रिचार्ज, 10 रुपये में रिचार्ज करके पूरे महीने पूरे साल यूज करते थे, अब मोबाइल बंद हो गई, कहाँ गई मोदी जी की आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना कहाँ गई? धरातल में क्या GST का क्या? हम बता रहे हैं मनरेगा कांग्रेस पार्टी की देन है 2005, मनरेगा जैसा भ्रष्टाचार बीजेपी में किसी अन्य पार्टियों ने नहीं किया। मनरेगा कांग्रेस पार्टी बनाई थी इसलिए कि गरीब मजदूर को रोजगार मिले, और मनरेगा क्या क्या हाल हुआ, कहीं पर किसी मजदूर को काम नहीं मिलता, कहाँ गया, धरातल में क्या काम हुए? हम आपसे बताएं, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार के लिए तरस रहे हैं, आज 10 साल अनुभवी हैं, हम रिकॉर्ड अभी मोबाइल में लिए हैं, कहिए तो दिखा दे, कोई चैलेंज बीजेपी वाला बता दे, 75% रिजल्ट है, प्री है, मेंस है, और गेस्ट में 7,000 रुपये में हम नौकरी कर रहे हैं बदवार हायर सेकेंडरी। क्या करेगा युवा, क्या करेगा, रोजगार किससे मांगे, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार के वादे आपके, किससे बात करें बताइए? रही बात हमारे निवास में, ये सौर प्लांट बना है, कितने लोगों को रोजगार मिला, यहाँ कोई हो तो बताओ भैया, रोजगार वाले कोई रोजगार नहीं, तो किसको रोजगार? कैमरा घुमाइए, बताइए किसी को रोजगार सोलर प्लांट से मिला, हाथ उठा के बताइए। ये बताइए कि सौर ऊर्जा बनने से जो इंजीनियर है, सौर ऊर्जा का मतलब है बिजली, ये जो बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का मतलब बिजली, वहाँ जो इंजीनियर है गुड़क्षेत्र का लड़का, एक भी बता दे कि हम इंजीनियर किए हैं, रोजगार की तो बात कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड में लेबर का काम हो, रुक जाइए, एक भी इंजीनियर का नाम बताओ जो सौर ऊर्जा लायक काम कर रहा हो, ठीक है ना? फिर दूसरी बात रुक जाइए, दूसरी, अरे तुम बोला था यार, तुम लोग तो यार, फिर दूसरी बात, हम आप चले जाइए
चौड़ियार आप अमेरती चले जाइए, बगदरी चले जाइए, हम बेला हरदी खामडी चले जाइए, गार्ड में कम से कम 1000 लोग सौर ऊर्जा में नौकरी कर रहे हैं गुड़ के, ठीक है, हर जगह जो बिजली जो बिजली वहाँ जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो टॉप लड़के हैं आज गुड़ का लड़का डीएसपी बना, रेंजर बना, पटवारी बना, आरआई बना, अब जो पढ़े लिखे लड़का है डिजिटल इंडिया में पास हो रहे हैं। हाँ, एक बात, 16 प्लांट लगा है, 16 प्लांट लगा है गुड़ के लिए लगा है, गुड़ में कहते हैं, लेकिन एक बूंद के एक बत्ती के लिए गुड़ के लोग तरसते हैं, जो कि होना चाहिए कम है। 16 प्लांट की बिजली सबसे पहले गुड़ के लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन एक भी एक भी स्विच आ गई है आपके सब स्टेशन में, इमरजेंसी के लिए मिल रही मिलेगी, इमरजेंसी के लिए 33 की आप पता कर लीजिए, 33 की लाइन आ गई है और उसी से चलेगी, उसी से चलेगी गुड़ आ गई है, मिलेगी नहीं। ये बोल रहे हैं कि जो 33,000 बिजली की बात कर रहे हैं आ गई है, फिर गुड़ वालों को फायदा नहीं मिलेगा, ये सब बाहर चली जाएगी, सब बेची जाएगी। नमस्कार, जो बीजेपी का काम है वो कोई पार्टी का काम नहीं है। हाँ, आज मोदी जी जो भारत में जो काम किए हैं वो कोई पार्टी का काम नहीं कर सकते। हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ, कुल मिला के, हाँ जी, बस ये मोदी करेंगे, वास्तविकता क्या, पंखा सर में रखे लेके चल रहे हैं, ये बताइए। और दूसरी बात सुनिए, वर्तमान में जो भ्रष्टाचार है, कहने की बात यही है कि एक दुष्यंत कुमार की बहुत बढ़िया शायरी है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं वो दुष्यंत कुमार की शायरी है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और कांग्रेस वाले यानी कि हम, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, और हर युवा को चेताना चाहता हूँ कि जागो नहीं तो मर जाओगे गली में, इसी तरह पंखा लेके घूमोगे। हाँ सर में, और दूसरी बात मोदी जी दारू सस्ती करेंगे, दारू सस्ती, अब गांजा भी सुनाएंगे, दो मिनट कंप्लीट कर दो, रुक जाओ, राजनीति के ठेकेदारों ने ऐसी हद कर डाली है, नहीं असलियत नजर आ रही, लगता है सब जाली है, देशभक्त का चोला पहने देशद्रोह की आग लगाते, और लगता है संसद सच्चे नेताओं से खाली है, लगता है संसद सच्चे नेताओं से खाली है। जी, गुड़ के मुद्दे क्या है, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट करेगी गुड़ की जनता? गुड़ की जनता में ये मुद्दे है कि जो भाजपा सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है, यहाँ जितने वह हैं बेरोजगार उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा, और यहाँ बिजली जितनी है किसानों के ऊपर ऐसी तैसी हो रही है, किसानों भरपेट बिजली नहीं पा रही है। सोलर प्लांट तो लगा है इतना, सोलर प्लांट लगा है हमारे अपना के खातिर नहीं लगाया, अब बिजली के आज देखी जैके घर में 100 रुपये आता है, आज 5,000 रुपये आता है, बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, उसको पूरी रिपोर्ट कर दे, कहाँ सौर हुआ मन प्लांटी लगता है, ये घर चार्ज है, ये हुआ है, ये 5,000 हो जाता। सांसद जी से मिले आप कभी, जनार्दन जी? कभी 10 साल हो गए, कभी 10 साल में किसी का दर्शन नहीं दिए और यहाँ के समस्या का हल नहीं किया। कुल मिलाकर गुड़ के तमाम मुद्दे हैं और गुड़ उन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहा है 2024 के चुनाव में, देखना होगा कि इस विधानसभा सीट में क्या स्थिति रहती है। लेकिन एक अच्छी खासी बहस जिसमें लोगों ने अपने मुद्दे रखे, गुड़ के मुद्दे रखे, अब देखना है कि जनता किस करवट बैठती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल हॉस्पिटल रीवा, विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज निःशुल्क, अब आयुष्मान कार्ड से, जिसमें कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन से ऑपरेशन। पता, नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा।